फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ मैं इस तरफ ना ज़रा जंगल में हम लोग आए थे, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसको कुड़ा कहा जाता है महाराष्ट्र में, और ये ब्रह्मपुरी नागभीड़ इस तरफ में ये बहुत होते हैं। जब पेड़ ये लगभग अपनी इतनी हाइट के रहते हैं, कभी कभी से थोड़े बड़े बड़े भी मिलेंगे। और इसमें जो सफ़ेद फूल दिख रहा है ना, हिंदी भाषा में इसको कुटज कहा जाता है। और यहाँ पर ना इसी गांव में लोग सब्जियाँ बना के बहुत खाते हैं इन फूलों की, तो मेरे को ऐसी उत्सुकता आई, मैंने कहा पूछूँ ये क्या चीज़ है। बहुत अच्छी खुशबू यहाँ जंगल में फैली हुई है ये, तो बोले लगे कि ये जी ये कूड़े का पेड़ है और इसको ना हम सब्जी बना के खाते हैं इस मौसम में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं बना के कि ये क्या चीज़ है। तो ये क्या है कि जैसे बोलते हैं कि ये स्किन की प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। यहाँ पर एक वैद्य है, मैं उनको भी मिली, तो फिर उनसे मुझे जानकारी और पता चली। तो ये मैंने सोचा कि अभी सबसे शेयर करूँगी कि अगर कहीं किसी को मिलता है तो उसकी जानकारी लें और फिर इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं कभी। और कैसा है कि अगर आपने इस सीज़न में 5-6 बार अगर ये खा लेते हैं तो ये एक साल भर काम देता है, कि थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये भी मुझे यहीं से पता चला है आसपास से। अब वो जैसे उनसे मैं बात करती हूँ तो कैमरे में आना नहीं चाहते, तो मैंने ये थोड़ी सी इसमें अपन चुन चुन के फूल तोड़ लेते हैं यहाँ पर ये लोग, और कली छोड़ देते हैं। तकरीबन ये 2 महीने तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको ये, और अगर बारिश लेट हो जाती है तो फिर थोड़ा सा इनमें हरापन देर में आता है। लेकिन आप ये देखिए, अभी गर्मी है शुरू हो चुकी है, और ये इसके पत्ते देखिए कितने हरे हरे हैं। ये पत्ते झड़ने के बाद दोबारा आ चुके हैं, और इसमें देखिए छोटी छोटी कलियाँ हैं, ये फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर इसको ये लोग बहुत बहुत ही खाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए आने में यहाँ पर, नहीं तो सुबह सुबह आपको लोग बहुत दिख जाएंगे ये सब तोड़ते हुए। फिर मैंने एक जगह ऐसे ढूंढ के रखी थी कि मैं वहाँ से आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि देखिए ये कुटज का फूल जो है वो ऐसा होता है। और ये काला कूड़ा है, तो यहाँ पर इसके देखिए डंडी काली है, और इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो पेड़ बड़े बड़े हैं, तो वो सफ़ेद कुटज है। और इसके पेड़ अपनी इतनी हाइट के रहते हैं, मीडियम जैसे अपन खड़े हुए इतने इतने। और बाकी सब्जी तो बस ये नॉर्मल इसी तरीके से बनती है। और अब अगर कुछ लोग तो इसके पत्ते की भी वो सब्जी, कच्चे कच्चे पत्ते की सब्जी बना के खा लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ गांव में ही पता चला। तो अब आप देखिए इसमें से और क्या समझ में आता है, कुछ गूगल करिए, कुछ और जानकारी हासिल करिए, कुछ समझ में आता है। और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू सो मच।